दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सृष्टि का आठवां वैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम दो पर्वतों के बीच बसा हुआ है, जिसे नर नारायण पर्वत कहा जाता है। अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित है बद्रीनाथ का ये मंदिर, जो 3,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। हिंदुओं के चार तीर्थ स्थल के नाम से बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ, रामेश्वर, ये चार धाम प्रमुख है। लेकिन जब व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन करने जाता है तो उसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के दर्शन भी करना चाहिए। इन चारों को मिलाकर छोटा चार धाम कहा जाता है। बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया था। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में जाने के बाद सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा किया गया था। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेदी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा है। यहाँ पर ताप कुंड है जिसमें गर्म पानी हमेशा रहता है। इस स्थान पर नहाने के बाद बद्रीनाथ के दर्शन किए जाते हैं।
प्राचीन शैली में बना भगवान विष्णु का ये मंदिर बेहद विशाल है और इसकी ऊंचाई करीब 15 मीटर है। ये मंदिर 3 भागों में विभाजित है, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। इसमें 15 मूर्तियां स्थापित की है। भगवान विष्णु की 3.3 फीट शालिग्राम की प्रतिमा यहाँ सुंदर प्रतीत होती है। इस धाम से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार जो आए बद्री वो न आए ओद्री, मतलब जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन एक बार कर लेता है उसे दोबारा माता के गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ता है। जो आए बद्री वो न आए ओतरी, बद्रीनाथ के दर्शन एक बार करने से वो दोबारा माता के गर्भ में नहीं प्रवेश करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है।